मैं आपको जेकेल एंड हाइड X50 का आज रिव्यू देने वाला हूँ। जेकेल एंड हाइड एक टोटली नया सीरीज़ निकाला है एक्सियोम ने, और ये सीरीज़ में मैंने X50 ट्राई किया है। मेरे को सबसे बढ़िया इसका बात लगा कि जैसे Omega 7 Pro है या फिर Omega 7 Tour है, उसमें पावर और स्पीड और स्पिन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बट इसमें मेरे को एक एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्टर लगा जो ये रबर ने बेसिकली सब जेकेल एंड हाइड सीरीज़ में दिया है, वो है वो जो ग्रिप करने वाला, जो आजकल काफ़ी प्लेयर्स जो एलीट लेवल पे खेल रहे हैं जिनको वो ब्रशिंग जो हरिकेन रबर जो टैकीनेस देता है वो ये रबर में है। टैकी रबर तो नहीं है, बट फिर भी आपको फील होगा जैसे आप टॉक्सिन मारोगे कि ये स्पीड और स्पिन के साथ ये थोड़ा एक्स्ट्रा रबर को ब्रश कर रहा है, थोड़ा ग्रिप करके बॉल डाल रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये रबर स्पीड और स्पिन के साथ वो एक्स्ट्रा ग्रिप वाला या एक्स्ट्रा फ्रिक्शन वाला इफेक्ट दे रहा है। थोड़ा टेबल से पीछे गया और मैंने ट्राई किया सिर्फ बॉल को ब्रश करके मारूं, और मैं ये फील कर सकता हूँ ये Omega 7 Tour हो गया या फिर 7 Pro हो गया, उससे ज़्यादा ये रबर उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है, ज़्यादा फ्रिक्शन दे रहा है, स्पिन दे रहा है। तो जेकेल एंड हाइड में ये सीरीज़ में उन्होंने एक एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्टर डाला है, और अभी इससे बैकहैंड खेलते देखते। फोरहैंड के लिए टॉसिन मार रहा हूँ तो स्पीड और स्पिन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा बॉडी का पावर यूज़ करना नहीं पड़ रहा है। ओके, जितना ज़्यादा मैं बॉल को ब्रश कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मेरे को टॉसविन मिल रहा है। तो बैकहैंड में खेल के देखते एक बार कि कैसा फील आ रहा है। मनीष, व्हाई यू आस्किंग मैन टू ब्लॉक ब्लॉक? मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, जैसे GINH सीरीज है उसमें X50 है और फिर V52.5 है, फिर H सीरीज भी है, तो अलग अलग सीरीज है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन ले तो फिर ये फोरहैंड के तो अच्छा ही है, बट अगर आप फोरहैंड पे और थोड़ा एक इम्पैक्टफुल रबर लगाना चाहते हो तो आप Omega 7 Asia लगा सकते हो, या फिर V52.5, या फिर और एक H52.5 है जिसका मैं रिव्यू दूसरे वीडियोस में दे चुका हूँ। ये रबर अगर आपको बैकहेंड पे लगाना है तो बहुत ही एक आइडियल रबर होगा। इसमें एक क्वालिटी है कि बिकॉज एक मीडियम हार्ड रबर है, ज़्यादा स्पिन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, शील्ड इसका मीडियम हार्ड है, तो बॉल का जो इम्पैक्ट है या फिर कॉन्टैक्ट के बाद जो थ्रो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Omega 7 Europe या फिर वेगा जापान। और आप ऐसे प्लेयर हो जो थोड़ा आपको ब्लॉक करते हो, आपको फील नहीं ज़रूरत है, आपको थोड़ा हार्ड खेलना पसंद है, तो ये एक आइडियल रबर है वैसे प्लेयर्स के लिए। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जो टेबल के थोड़ा डिस्टेंस के पीछे से थोड़ा बैकहैंड हार्ड खेलते हैं या फिर पंच पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या फिर बैकहैंड टॉसिंग में उनको ज़्यादा बॉल का वो ग्रिपी इफेक्ट नहीं बोलूंगा, वो अब्जॉर्ब जो इफेक्ट होता है या फिर प्रेस करके जो बॉल जाता है वो नहीं चाहिए रहता है, वो ये रबर देता है। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने बोला कि ग्रिप बहुत ज़्यादा है, बॉल जैसे ही कैच होता है इमिडिएटली थ्रो होता है, ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उन प्लेयर्स के लिए ये रबर बहुत ही अच्छा है, स्पेशली बैकहैंड के लिए। फोरहैंड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट दूसरे और रबर्स हैं जो आपको मैं फोरहैंड के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ।